कैपिटल गेन अंडर दिस हेड एनी प्रॉफ़िट और गेन अर्न फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ एसेट इज़ कॉल्ड कैपिटल गेन यानी कि किसी भी एसेट के ट्रांसफ़र यानी yani कि एसेट को बेचने से अगर कोई गेन uh, होता है हमें या कोई प्रॉफिट होता है तो उसे कहा जाता है कैपिटल गेन कैपिटल गेन में टैक्सेबल uh, होती हैं ये सारी चीज़ें द एसेट शुड बी ओन बाय द एसएससी यानी कि टैक्सेबल होने के लिए जरूरी है कि वो एसेट का मालिक एसएससी यानी कि करदाता ही हो जो कर दे रहा है वही व्यक्ति उस एसेट का मालिक होना चाहिए एसेट एसेट शुड बी ट्रांसफ़र टू प्रीवियस ईयर और जो हम एसेट का कैलकुलेशन कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर होना चाहिए यानी कि प्रीवियस ईयर में बेचा हुआ होना चाहिए एसेट में भी रिलेटेड और नॉट विद बिजनेस प्रोफेशन और ऑफ एसएससी एसेट एसएससी के यानी कि करदाता के बिजनेस से रिलेटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ट्रांसफर ऑफ पर्सनल एसेट ऑल्सो टैक्सेबल अंडर दी के करदाता के पर्सनल एसेट यानी कि अपने पर्सनल घर या बिल्डिंग उसके ट्रांसफ़र के ट्रांसफ़र को भी कैपिटल गेन के अंदर लिया जाता है और कैपिटल ट्रांसफ़र में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं सेल और एंड एक्सचेंज ऑफ एसेट हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं या एक्सचेंज कर रहे हैं किसी एसेट को तो वो कंपलसरी एक्विजिशन अंडर द लॉ यानी कि लॉ के अंदर कानून के अंदर जो न, चीज़ आती है बेच आ, लीगल तरीके से बेचने के लिए वो सारी चीज़ें हम कैपिटल गेन में लेंगे एनी पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू बिजनेस अगर हम अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं बिजनेस के लिए जैसे हमारे पास जगह था उसको हम अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं लैंड को तो फिर वो भी बिजनेस के लिए यूज करने के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं तब वो कैपिटल गेन के अंदर आएगा किसी एसेट का स्टॉक इन ट्रेड में चेंज होना यानी कि किस हमारा कोई स्टॉक एसेट था जिसको हमने अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर लिया बिजनेस में स्टॉक इन ट्रेड बना लिया तो वो भी कैपिटल गेन के अंदर आएगा मैच्योरिटी और रिडम्शन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड जीरो कूपन बॉन्ड यानी कि जिसपे जीरो ब्याज लगता है ऐसे बॉन्ड की मैच्योरिटी या रिडम्शन अगर वो मैच्योर हो हो गया उसका पैसा मिल रहा है या फिर वो रिडम हो गया तो वो भी कैपिटल गेन के अंदर आता है किसी अधिकार का समाप्त होना अगर कोई अधिकार समाप्त हो रहा है तो वो भी आएगा किसी कंपनी के डिसोल्यूशन के समय किसी एसेट का पार्टनर को ट्रांसफ़र कोई कंपनी बंद हो रही है और उस टाइम उसके एसेट्स को बेचा जा रहा है तो फिर अगर कंपनी का पार्टनर ही उस एसेट को ख़रीद लेता है तो वो भी कंपनी के लिए कैपिटल गेन होगा इसमें फेयर मार्केट वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ़ कंसिड्रेशन माना जाता है अगर हम पार्टनर को ही बिजनेस का कोई एसेट बेच रहे हैं तो उस टाइम पे मार्केट में उस एसेट का जो वैल्यू है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि बेचा हुआ मूल्य विक्रय मूल्य कहा जाएगा एसेट कैपिटल एसेट में क्या क्या चीजें आती हैं तो प्लांट मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर गुडविल पेटेंट कॉपीराइट शेयर एंड बॉन्ड सिक्योरिटी मैच्योरिटी लाइसेंस एंड एनी राइट और किसी तरह का तरीके का अगर कोई अधिकार है और उसे समाप्त किया जा रहा है तो ये सारी चीज़ें भी इसमें कैपिटल एसेट के अंदर इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है पेंटिंग स्कल्पचर प्रिशियस मेटल ज्वेलरी ये सारी चीज़ें भी कैपिटल एसेट के अंदर आती है तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल एसेट में मूवेबल इमूवेबल फ्लोटिंग या फिर फिक्स्ड या टेंजिबल या इनटेंजिबल कोई भी एसेट इसमें शामिल हो जाता है कैपिटल में नॉट इंक्लूड इन कैपिटल अब कैपिटल में इंक्लूड नहीं होता है तो सबसे पहले कमर्शियल गुड जो व्यापार से संबंधित गुड है उसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे मूवेबल पर्सनल एसेट जो मूव हो सकता है ऐसा कोई पर्सनल एसेट को भी हम कैपिटल गेन नहीं मानेंगे एग्रीकल्चर लैंड अगर वो रूरल एरिया के लिए है तो फिर वो भी कैपिटल एसेट हम नहीं मानेंगे एग्रीकल्चर लैंड को और गो, आ, गोल्ड बॉन्ड है यानी कि सोने के न, बॉन्ड एक लेना जो सोने के रेट के साथ घटता घटता या बढ़ता है तो वो भी Uh, हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे कैपिटल एसेट के दो टाइप होते हैं एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में कोई भी एसेट हेल्ड इन थर्टी सिक्स और लेस मंथ ऐसा कोई भी एसेट जो छत्तीस महीने या छत्तीस महीने से कम टाइम के लिए हमारे पास रहे उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहते हैं और अगर छत्तीस महीने से ज्यादा रहे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलते हैं ट्वेंटी फोर मंथ हमको चेक करना होता है अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जो मूव नहीं हो सकती जैसे लैंड और बिल्डिंग अगर लैंड और बिल्डिंग है तो हमको ट्वेंटी फोर मंथ चेक करना होगा अगर ट्वेंटी फोर मंथ या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे और अगर ट्वेंटी फोर मंथ से ज्यादा है तो लैंड और बिल्डिंग को हम लॉन्ग टर्म मानेंगे अगर बारह मंथ केस ऑफ इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज ऐसा इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है पंजीकृत है उसको उसको बेचने के लिए हमको बारह मंथ चेक करना पड़ेगा यानी कि वो कम से कम बारह महीने हमारे पास रहना चाहिए अगर बारह महीने से कम है बारह महीने या बारह महीने से कम टाइम के लिए वो हमारे पास है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और अगर बारह महीने से ज़्यादा है हमारे पास उसके बाद हमने बेचा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा वैसे ही सिक्योरिटी भी आता है जैसे लिस्टेड डेवेंचर और बॉन्ड इसमें भी हम ट्वेल्व मंथ ही चेक करते हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ यू जो इसके लिए भी ट्वेल्व मंथ ही हम चेक करते हैं यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड इसके लिए भी ट्वेल्व मंथ चेक करते हैं अगर ट्वेल्व से कम है तो शॉर्ट टर्म अगर ट्वेल्व से ज़्यादा है तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जीरो कूपन बॉन्ड अगर इसमें बारह महीने से कम के लिए है तो शॉर्ट टर्म बारह से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है अब यहाँ पे कैपिटल गेन में कुछ सेक्शंस है सेक्शन 54 सेक्शन 54f एफ सेक्शन 54 फ़ोर uh, और सेक्शन 54 ई e, सी इसमें सेक्शन 54 में एच के बदले एच यानी कि हाउस प्रॉपर्टी के बदले हाउस प्रॉपर्टी बेचा जाता है तब सेक्शन 54 हम यूज़ करते हैं अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के बदले एच ख़रीदा जाता है तो फिर सेक्शन 54 फ़ोर एफ़ यूज़ करते हैं और अगर एग्रीकल्चर लैंड के बदले एग्रीकल्चर लैंड ख़रीदा या बेचा जाता है तो फिर वो वहाँ पर फिफ्टी यूज़ होता है और अगर आ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बदले कोई बॉन्ड खरीदा जाता है तो फिर 54 फोर यूज होता है तो इसमें एग्जाम्शन कैसे मिलता है इसके लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा टाइम लिमिट अगर हम एच के बदले एच यानी कि हाउस प्रॉपर्टी के बदले हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो के केस में विद इन वन ईयर बिफोर और टू ईयर आफ्टर ट्रांसफर हमको हाउस uh, खरीदने के पहले एक साल पहले और ख़रीदने के दो साल बाद तक कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं ख़रीदना होता है क्योंकि अगर हम बार बार खरीद बेच रहे हैं तो फिर वो हमारा व्यापार कहला जाएगा बिजनेस कहलाएगा लेकिन कैपिटल uh, गेन तब होता है जब वो बिज़नेस के लिए नहीं हम नॉर्मली जब खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो इसलिए uh, जब हम कोई बिल्ड एच पी खरीद रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके एक साल पहले हमको कुछ नहीं खरीदना है uh, कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं खरीदना है और उसके दो साल बाद तक कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं खरीदना है कंस्ट्रक्शन अगर हम घर बना रहे हैं तो तीन साल तक के स्वामित्व तीन साल बाद तक हमको फिर दूसरा घर नहीं बनाना है अगर फिफ्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बदले एच खरीद रहे हैं तो भी सेम चीज रहेगा एक साल बिफोर और टू साल आफ्टर परचेस uh, के केस में और कंसीड्रेशन में तीन साल तक बिफोर तीन साल uh, मतलब कि पहले हमको तीन साल पहले तक कुछ भी ख़रीदना नहीं है uh, मतलब लैंड एच पी और फिफ्टी फोर बी इसमें एग्रीकल्चर लैंड के बदले एग्रीकल्चर लैंड तो ख़रीदने के दो साल बाद तक कोई भी हम घर नहीं uh, कोई भी लैंड नहीं ख़रीद सकते तो uh, एग्रीकल्चर लैंड के बदले एग्रीकल्चर लैंड हम अगर अभी एग्रीकल्चर लैंड खरीदे हैं तो इसके दो साल तक हम और कोई दूसरा एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते वरना वो कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा एल टी के बदले बॉन्ड अगर हम खरीद रहे हैं तो छः महीने तक हम उसको बेच नहीं सकते हैं उसको अपने पास हमको रखना पड़ेगा उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ एग्जेपन अगर हम लोग को इसमें कुछ एग्जेपन मिलता है क्योंकि कैपिटल गेन होता है तो सरकार हमें एग्जम्पन देती है तो इसमें एग्जम्पन अगर हम एच के बदले एसपी पी हैं तो कैपिटल गेन इन्वेस्टेड जितना हम कैपिटल गेन इन्वेस्ट किए हैं उतना पूरा एग्जेप्ट हो जाता है लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के बदले हम एच खरीद रहे हैं तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला होता है कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइडेड बाय नेट वैल्यू ऑफ़ कंसीडरेशन मतलब कि नया वैल्यू जो खरीदने में हमको लगा है वो और अगर हम एग्रीकल्चर लैंड के बदले एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं तो फिर जितना कैपिटल इन्वेस्ट uh, हम करेंगे कैपिटल गेन मतलब जितना का हमको फायदा हुआ है वो पूरा का पूरा यहाँ पे एग्जैम्प्ट होता है और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बदले बॉन्ड खरीद रहे हैं तो वहाँ पे भी कैपिटल गेन इन्वेस्टेड जितना होगा वो पूरा का पूरा एग्जेम्ट होता है लेकिन एग्जेम्पन लैप्स हो जाता है यानी कि खत्म हो जाता है अगर इफ़ सोल्ड विद इन थ्री ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन यानी कि अगर हमने हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के तीन साल के अंदर हाउस प्रॉपर्टी बेच दी है तो फिर एग्जेपन वहाँ पे लैप्स हो जाता है यानी कि एग्जैम्शन ख़त्म हो जाता है और उसके लिए हमको फिर से सरकार को पैसा जो हमको सरकार ने पहले पैसा लेने से छोड़ दिया था वो पैसा हमको उनको पे करना पड़ता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट होता है लैप्स के लिए ट्रीटमेंट ऑफ लैप्स एग्जेपन ट्रीटमेंट क्लेम्ड अर्लियर शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट यहाँ पे जो कैपिटल गेन इन्वेस्टेड जितना पैसा हमने खर्चा किया खरीदने में एसपी uh, पी वो पूरा लैप्स हो गया हुआ था तो वो हमको फायदा था एग्जाम हुआ है तो लेकिन हमने उसके तीन साल के अंदर में दूसरा घर खरीद uh, उस घर को बेच दिया तो फिर यहाँ पे हमको जितना पैसा यहाँ पे एग्जाम हुआ था वो पूरा का पूरा हमको न्यू वैल्यू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट मान करके हमको उसका टैक्स देना पड़ेगा सेम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एचपी के में भी होता है अगर तीन साल के अंदर हम उस एक्विजिशन यानी कि खरीदने के तीन साल के अंदर अगर हम उसको बेच दे रहे हैं एच uh, पी को तो फिर यहाँ पे एग्जाम्पन के लिए ट्रीटमेंट होता है एग्जाम्शन क्लेम अर्लियर शुड भी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर जिस ईयर में हम बेच रहे हैं उस ईयर में उसको हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मान करके उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और उस पर टैक्स लगेगा अब अगर एग्रीकल्चर लैंड के बदले एग्रीकल्चर लैंड हम ख़रीद रहे हैं तो वहाँ पे भी सेम चीज़ होगा तीन साल के अंदर अगर हम अगर हमने उस एग्रीकल्चर लैंड को ख़रीदा था जो नया उसको बेच दिया तो सेम एज़ फिफ्टी फोर सेक्शन फिफ्टी फोर यानी कि इस वाले सेक्शन के हिसाब से होगा यानी कि उसको हमको कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट मान करके आ, जितना एग्जाम्ट हमने यहाँ पे शुरू में किया है उसको पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड जितना एग्जाम किया था उसको पूरा कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट मान करके टैक्स लगाना पड़ेगा और अगर हमने लॉन्ग टर्म के बदले बॉन्ड खरीदा है तो फिर यहाँ पे भी अगर तीन साल के अंदर उस बॉन्ड को हमने बेच दिया तो फिर हमको यहाँ पे 54F यानी कि ये लॉन्ग टर्म के बदले एस पी ख़रीदा था उसके हिसाब से होगा यानी कि हमको यहाँ पे उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मान करके उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा अब इसका फॉर्मेट होता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2021 फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जो होगा जितना रेट बताया होगा वो उसमें exam, जो एक्सपेंसेस होंगे ट्रांसफर के उसको माइनस करना पड़ेगा तो उससे आएगा नेट वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन उसमें लेस करना पड़ेगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के uh, टाइम होता है और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट यानी कि अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट के ऊपर खर्चा किया गया है तो उसका इंडेक्स करना पड़ता है ये दोनों भी ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में होता है अदरवाइज नहीं होगा इंडेक्स हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस uh, में होता है तो फिर इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा लेकिन अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखते हैं और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लिखते हैं उसमें इंडेक्स नहीं किया जाता है फिर जो नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था उसमें से ये माइनस करेंगे तो या तो लॉन्ग टर्म आएगा या तो शॉर्ट टर्म आएगा फिर उसमें से हमको एग्जामेशन देना होता है जो अभी अपन पढ़े सेक्शन फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर बी फिफ़्टी फोर और फिफ्टी फोर एफ़ उसको हमको माइनस करना होता है और फिर टेक्सेबल कैपिटल गेन निकल जाता है इंडेक्स कैसे किया जाएगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को तो इसके लिए फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी जितने रुपए में हमने उसे खरीदा इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ ट्रांसफर जिस साल हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं वो साल का इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में दिया होगा डिवाइडेड बाय ईयर ऑफ एक्विजिशन जब हमने उसे खरीदा था तब का कैप uh, का इंडेक्स नंबर वो भी दिया होगा तो उसको डिवाइड करके फिर ये इंडेक्स सी uh, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल जाएगा सेम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में होता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो दिया होगा इनटू करना पड़ेगा इंडेक्स नंबर ऑफ़ ट्रांसफर ईयर और इंडेक्स नंबर ऑफ एक्विजिशन ईयर इंडेक्स तभी होता है जब लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो वरना वो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया जाता है अगर एक अप्रैल दो के बाद कोई खरीदे गए uh, हाँ अगर हमने एक अप्रैल 2001 के बाद कोई एसेट खरीदा है तो वहाँ पर जिसमें हायर हो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी जितना रुपए में हम खरीदे हैं या तो वो या तो फेयर मार्केट वैल्यू जो भी हायर रहेगा उसको हम लोग कौ, अ, कौ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिड्रेशन मानते हैं अगर एक अप्रैल के बाद ख़रीदा है एक अप्रैल 2001 के बाद ख़रीदा है ये डेट हमको याद रखना है 2001 के बाद अगर कुछ भी खरीदा है तो हमको यहाँ पे उसको अ, लीस्ट ऑफ़ द फॉलोविंग हमको करके देखना सॉरी हायर ऑफ द फॉलोविंग करके हमको देखना पड़ेगा अगर कॉस्ट ऑफ एक्वेशन हायर है तो वो लेंगे अगर फेयर मार्केट वैल्यू हायर है तो उसको लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अगर कोई इम्प्रूवमेंट कॉस्ट ऑफ कॉस्ट 2001 के पहले हुआ है तो उसको इग्नोर करना होगा उसका कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं होगा